जब कोई इंसान सुसाइड करता है ना, तो इसका मतलब है कि वो सुसाइड करने से पहले ही मर चुका होता है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी कोशिशें सब खत्म होने के बाद जब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं दिखती, तो वो सुसाइड जैसा बड़ा डिसीजन लेता है। अपने आर्ट से फिल्मों के स्टेज पर चार चांद लगाने वाले नितिन देसाई खुद ही चांद तारे हो जाएंगे, किसको पता था। नितिन देसाई ने बुधवार को सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनकी मौत से बॉलीवुड गलियारों में मातम छाया हुआ है, लेकिन इस मातम के पीछे का रीजन भी तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड ही है ना। वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कलाकार की मौत कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। नितिन देसाई जिन्होंने लगान, जोधा अकबर, हम दिल दे चुके सनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सेट डिजाइन किया, उन्होंने फिल्मों के साथ खुद की मौत का भी सेट डिजाइन कर लिया था। एनडी स्टूडियो के लिए काम करने वाले मयूर नाम के एक आदमी ने बताया कि सुसाइड से पहले नितिन ने एक बड़ा धनुष बाण तैयार किया था, इसी के बीच उन्होंने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। वैसे नितिन देसाई की मौत की वजह पैसों की तंगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उन पर 180 करोड़ रुपए का कर्ज था। उन्होंने एक वॉइस नोट रिकॉर्डर भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है जो उनकी मौत की वजह हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि नितिन के कर्ज और उनकी मौत के पीछे बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग भी तो हो सकता है ना। नहीं तो इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले आर्टिस्ट को काम मिलना कैसे बंद हो सकता है। नितिन देसाई बस फिल्मों के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं के मंचों को भी अपने खूबसूरत कला के रंग से रंग चुके हैं। जब मोदी गुजरात का सीएम बनने के बाद पहली बार मुंबई गए थे, तो देसाई ने ही स्टेज के लिए हाइड्रोलिक कमल का डिजाइन बनाया था, जो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल भी था। 2.5 लाख लोगों के बीच से पीएम मोदी का कमल के बीच से निकलकर स्टेज पर आना आर्टिस्ट के तौर पर नितिन देसाई की जीत थी। पीएम मोदी ही नहीं, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख के रूप में अपनी पहली रैली को एड्रेस किया था, तो इस मौके पर भी देसाई की टीम ने ही स्टेज डिजाइन किया था, जिसमें मराठा साम्राज्य के थीम पर इवेंट का स्टेज तैयार किया गया था। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि नितिन देसाई जैसे टैलेंटेड इंसान को अगर पैसों की तंगी आ सकती है और इसकी वजह से अगर वो जान दे सकते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उनका किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया होगा। एक कलाकार अपनी आलोचना सह सकता है, लेकिन टूटे सपने और कर्ज का बोझ लेकर वो जिंदगी नहीं जी सकता। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच टेली।